हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आपका पार्टनर, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आपका क्रश, जिससे भी आप आपका लव इंटरेस्ट मानते हो, इज दैट पर्सन लव्स यू और नॉट, डज ही लव मी और नॉट, डज शी लव मी और नॉट, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियोज ऑन डेली बेसिस पोस्ट करती रहती हूँ जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आती है, काफ़ी सारे लोग इन वीडियो को सराहते हैं, अच्छा कहते हैं, एंड आई एम सो थैंक यू एंड ग्रेटफुल कि आप सब लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि क्या वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते ना, वो आपको प्यार करते हैं नहीं करते, डज ही लव मी और नॉट, डज शी लव मी और नॉट। ठीक है, तो जब तक मैं इन कार्ड्स को शफल कर लूँ, आप उन्हें याद कर लीजिए, आपके लव इंटरेस्ट को याद कर लीजिए, और मैं इन कार्ड्स को अभी शफल करना शुरू करती हूँ ताकि हमें हमारा पहला कार्ड मिल जाए। सो फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। तो आपके जो पार्टनर है ना दोस्तों, ऑब्वियसली देर आर अ चांसेस कि वो आपको पसंद करते हैं। लेट्स सी आगे क्या कार्ड आते हैं। सो मतलब पसंद इन द सेंस, फर्स्ट कार्ड तो ऐसा आया है कि एटलीस्ट दे लाइक यू। तो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ओ माय गॉड, दिस इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज अ ह्यूज रोमांस एंड रोमांटिक कार्ड। सो ऑब्वियसली वो आपको मतलब बहुत, मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे लाइक बोला था, आई कैन से कि मतलब लव इंटरेस्ट आपका अभी जाग रहा है। आई गेस मुझे तीनों कार्ड और निकाल के बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज आया है हैंग्ड मैन। ठीक है, उसके बाद ओ माय गॉड फोर्थ कार्ड व्हिच इज फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट फिफ्थ कार्ड जो आया है हमारा व्हिच इज अ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑल कार्ड्स, एज आई कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गुड न्यूज दे देती हूँ, आपका आपका जो भी लव इंटरेस्ट है, आपके पार्टनर है जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर मतलब जिस किसी पर्सन को लेके आप इस वीडियो को देख रहे हो, श्योरली दैट पर्सन इज मैडली इन लव विद यू। वो पर्सन आपको मतलब बेतहाशा प्यार करते हैं। ऑब्वियसली वो आपके साथ, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वो आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रपोजल, तो देर आर चांसेस आगे से प्रपोजल आ जाए। मैरिड हो तो देर आर चांसेस वो फैमिली प्लानिंग करने के लिए आपके लिए सोचे। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, कभी भी कोई परेशानी नहीं है, भले ही वो खुद किसी ना किसी परेशानी में हो, किसी ना किसी दुविधा में हो, बट वो आप तक ये बात आने नहीं देते। वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं एंड वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो दैट इज एन ग्रेट थिंग कि मतलब कोई पर्सन आपको ऐसा मिला है जो अपनी पूरी लाइफ आपके साथ आगे बिताने के लिए सोच रहा है, यू नो। एंड वन मोर थिंग कि दैट पर्सन इज हाईली रोमांटिक, वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। मतलब आप देखोगे जब आप उनके साथ रिश्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपको दिखेगा कि उनका प्यार कितना डीप 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 गहरा होता जा रहा है। वो आपको हर तरीके की लाइविश और लग्जूरियस लाइफ देना चाहते हैं, दैट इज द मेजर थिंग। मतलब वो चाहते हैं कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करे, अच्छे से रखे, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी जगह घूमने लेके जाए, आपको अच्छी जो चीजें आपको पसंद है वो सारी चीजें लाके दे, यू नो। हर कोई यही सोचता है ना कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें अच्छा कंफर्ट भरी लाइफ दे, वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं। ठीक है, मैं और एक डेक चेक करती हूँ एंजल्स का, हमारे लिए क्या आंसर आता है, क्या आपके लव आपको, मतलब आपका जो भी लव इंटरेस्ट है उनको लेके एंजल्स क्या आंसर हमें देना चाहते हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है देर इज अ समथिंग बेटर, एंड सेकेंड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो ऑब्वियसली आप जो सोच रहे हो ना, उससे कई ज़्यादा अच्छा आपका लाइफ पार्टनर या फिर मतलब लव इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेके, कि एबंडेंस एंड लेट गो इज नेक्स्ट टू कार्ड्स। तो मतलब आपकी हेल्थ को लेके, अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है, सो मतलब दे वॉन्ट कि मतलब वो आपका ख्याल रखे। देर इज एबंडेंस ऑफ लव इन देयर लाइफ, और लेट गो कार्ड आपको बता रहा है कि आपके मन में अगर दुविधा और डाउट है ना, तो प्लीज उसे भी निकाल दीजिए, क्योंकि श्योरली दैट पर्सन इज इन लव विद यू। और नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट का। एज आई सेड,
डाउट निकाल दीजिए और भरोसा रखिए, दैट पर्सन श्योरली लव्स यू। कोई पर्सन अगर आपकी हेल्थ के बारे में सोच रहा है, आपको मतलब मैरिज के बारे में सोच रहा है, आपको अच्छा रखने के बारे में सोच रहा है, तो सोचिए ना उसके प्यार करने का मतलब लेवल क्या होगा। यू नो, आपको ये छोटी छोटी बातें जो रहती हैं ना दोस्तों, छोटे छोटे जेस्चर से हमें समझनी रहती है। हम लोग इंसान हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम चीज़ें बोल के नहीं दिखाते, समझनी रहती है कोई चीज़ें, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मतलब वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। ऑब्वियसली कार्ड्स तो मतलब सारे परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ है, सारे कार्ड बता रहे हैं कि देर इज अ लव इंटरेस्ट, देर इज अ लव, देर इज अ लाइकिंग भर भर के, देर इज अ अबंडेंस इन लव, इन फॉर्म ऑफ लव। आपकी लाइफ में अगर वो आ जाए पर्सन या फिर वो है, तो मतलब प्यार के, प्यार और हैप्पीनेस और पीस के साथ मतलब इसमें अबंडेंस आपके जीवन में भर भर के रहेगा। देर इज अ नॉट एन इश्यू एट ऑल। ठीक है, हम और एक कार्ड ओरेकल डेक चेक कर लेते, लाइट ओरेकल डेक, जिससे हमें पता चले और गाइडेंस आ जाए। सोल फैमिली, दैट पर्सन बिलोंग्स टू योर सोल फैमिली। मतलब आपको इससे और क्या प्रूफ चाहिए, मतलब आपका जो रिश्ता है ना उनके साथ, दैट इज नॉट मतलब जिस्माना नहीं है, रूह से रूह का रिश्ता है। पिराटस, प्रिस्टस, सो अगेन डिवाइन कार्ड, हाउ यू आर बींग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। आपको मतलब अभी जैसे पता चल गया है कि दैट पर्सन इज इन लव विद यू, तो आपको आगे बढ़ना है, एक स्टेप लेना है, ताकि आप उनके पास जाओ और उनको ये महसूस हो कि उनका प्यार आपको महसूस हो रहा है। आप एक्सप्रेस कीजिए कि उनको बताइए कि आपका प्यार हमें महसूस होता है। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड बिकॉज कार्ड आया है आकाशा। जब आप मतलब उनके लव को एक्सेप्ट करोगे या फिर उनको ये बताओगे कि मुझे समझ में आता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, तो मतलब यू विल फाइंड हेवन ऑन दिस अर्थ। आपको पता चलेगा कि उन्होंने आपके जीवन को स्वर्ग बना दिया है, इतना प्यार वो आपसे करते हैं। और इतना प्यार अगर कोई किसी से करता है, तो मतलब हमें मानना चाहिए कि हम ब्लेस्ड पर्सन है, वॉरियर वूमन। आप जो भी मतलब मांग रहे थे अब तक प्यार के, मतलब आप जो भी शेप और फॉर्म प्यार का सोचते थे आपके जीवन में, ये पर्सन वही है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है, दैट इज ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टूगेदर, इंटीट्यू हिल्स एंड सोल ट्राइब। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अभी प्यार बढ़ जाए, या फिर मतलब आप जो पर्सन है वो आपके जीवन में और शामिल हो जाए, तो आपको मतलब उनके पास जाना पड़ेगा। यू नीड टू गेट टुगेदर विद दैट पर्सन, आप दोनों को साथ में होना होगा, ताकि आपको पता चले कि दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं और अभी आपको जीवन में आगे पढ़ना है, ताकि आप आपका जीवन सुधर जाए। देर इज़ अ समथिंग बेटर इन योर लाइफ। दोनों जब मिक्स हो जाओगे तो ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीज़ घटेगी। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जितना ट्रस्ट करोगे, उतना आपको अबंडेंस आगे आगे मिलता जाएगा की लाइफ में, बिकॉज आप दोनों सोल कनेक्टेड है। आप लोगों का, आपके पाथ जो है ना डिवाइनली गाइडेड है, तो एंजल्स और यूनिवर्स आपकी इसमें मदद करेंगे। आपको बस ट्रस्ट करना है कि दैट पर्सन लव्स मी अलॉट, मैं भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, और हमें बस आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास डिवाइन ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपको कितना प्यार करते हैं, या फिर आपका लव इंटरेस्ट आपको कितना प्यार करता है। आपको अगर ये वीडियो, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग दोस्तों, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पक्का बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।